हेलो दोस्तों, एक रेस्टोरेंट चैनल आपका स्वागत करता है। मैं जितेंद्र कंसारा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने प्रबंध की तकनीकों के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने उद्देश्य द्वारा प्रबंध और उसके बारे में हमने चर्चा करी थी अपवाद द्वारा प्रबंध की, जिसमें हमने देखा था कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में हमने क्या किया था। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया था और उसी बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। उसके बाद हमने बात करी अपवाद द्वारा प्रबंध की, जिसमें हमने ये देखा था कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है, जो हाई लेवल के जो प्रबंधक होते हैं, उनको केवल और केवल ऐसी ही जानकारी देनी है जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हुई है, यानी ऐसी समस्या जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रही है उन्हीं के बारे में उनको अवगत कराना था। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्यूहरचनात्मक प्रबंध की। हाँ दोस्तों, तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले व्यूहरचनात्मक प्रबंध होता क्या है, उससे पहले व्यूहरचना के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होती है व्यूहरचना। तो व्यूहरचना एक छोटा सा शब्द है और बड़ा सिंपल सा इसका अर्थ निकलता है। देखिए, व्यूहरचना मतलब आप अपने लक्ष्य जो निर्धारित कर चुके हैं, आपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, उन निर्धारित लक्ष्यों को जब आप प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोसेस करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं कर रहे हैं, आपने जो प्लानिंग बना रखी है, वही आपकी क्या कहलाती है, व्यूहरचना कहलाती है। यानी किसी कार्य को करने के लिए आपने जिन माध्यमों का चयन किया है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, वो क्या कहलाएगा, व्यूहरचना कहलाएगी। देखिए, इसके संदर्भ में कुछ लिखा है, लिखते हैं, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक व बाह्य घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना। देखिए, विचार करते समय हमें क्या करना है, केवल संगठन के आंतरिक जो क्रियाकलाप है उनका ध्यान रखता है, बाह्य घटक भी क्या करते हैं, संगठन के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, तो हमें दोनों की तरफ ध्यान देना होगा। यानी संगठन के जो बाहरी उद्देश्य क्या है, आंतरिक उद्देश्य क्या है। आंतरिक मतलब जो अंदर जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, वहां जो क्रिया हो रही है वो क्रिया उपके, फिर बाह्य घटक कौन कौन से, उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दोनों की तरफ ध्यान देना है। और उन दोनों को ध्यान में तो क्या करना है, उसके बाद में आपको विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का सिलेक्शन करना है कि कैसे मैं अपने उद्देश्य को जल्द से प्राप्त कर सकता हूं। एक और बात लिखी है, व्यूहरचनात्मक प्रबंध का आशय संगठन के लिए पूर्व निर्धारित, ध्यान रहे सबसे पहले हमने निर्धारण किसका किया है, उद्देश्यों का, तो उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो गए, उद्देश्य का निर्धारण पूर्व में हुआ है तो इसलिए उद्देश्य क्या हो गए, पूर्व निर्धारित। तो लिखा है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भावी दिशा के बारे में। अब देखिए, आपने उद्देश्य का निर्धारण तो कर लिया, अब उद्देश्य की प्राप्ति कब होने वाली है, भविष्य में होगी ना, तो उस भविष्य को ध्यान रखकर करना है। तो भावी का मतलब क्या हो जाएगा, भविष्य। तो भविष्य की दिशा के बारे में निर्णय लेना एवं उन निर्णयों को लागू करना। आपने डिसीजन ले लिए किसके संबंध में, ये आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के संबंध में डिसीजन है, जो आपके इन फ्यूचर आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग करेंगे। अब उनका जो आपने सिलेक्शन किया है उनको लागू भी करना है, प्रोसेस में भी लाना है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी व्यूहरचनात्मक प्रबंध कहलाती है। यानी कि सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जिन माध्यमों का चयन करते हैं, वे माध्यम क्या है, हमारी व्यूहरचना है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। और देखिए, हम हर किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, एक व्यूहरचना का निर्माण करते हैं। आप चाहे किसी भी कार्य को देख लीजिए, चाहे वो आपकी स्टडी से संबंधित है, या अपने दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाने से संबंधित होगा, या अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप पे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेते हो। तो ये सब कुछ जो है वो सब व्यूहरचनात्मक प्रबंध का हिस्सा है। हाँ जी, आप जो सोच रहे हो ना, उसमें वो भी इंक्लूड है, समझदार हो, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप जो कुछ भी क्रियाकलाप करने वाले हो, जो आपके फ्यूचर से संबंधित होगा, आपके जो उद्देश्य है, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप जिन क्रियाओं का सहारा लेना है, वे सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, व्यूहरचनात्मक प्रबंध का हिस्सा हो जाएगी। आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों हम व्यूहरचनात्मक प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं, औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया है ये,
कैसे प्रक्रिया? औपचारिक यानी औपचारिक संगठनों में प्रतिपादित होती है, ये अनौपचारिक संगठन में प्रतिपादित नहीं होगी। तो व्यूहरचनात्मक प्रबंध औपचारिक प्रबंध की प्रक्रिया है, क्योंकि ये औपचारिक जो संगठन होते हैं जहां पर सारे कार्य एक निर्धारित जो वे होता है उनका करने का जो तरीका होता है, जो निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उन कंटिन्यूटी के साथ में होता है। यानी आप जो निरंतर कार्य कर रहे हो ना, उस प्रकार के जो संगठन है आपके औपचारिक, जिसमें सारे कार्य को एक पूर्व जो दिशा निर्देश बने हुए हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंट बने हुए हैं, उसके बेसिस पे होता है, उन्हीं में इनको लागू किया जाता है। प्रबंधकों की प्रतिबद्धता, अब देखिए जो प्रबंधक है जो वहां प्रबंध कर रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा। किसके लिए? अपने कर्तव्यों के लिए। उसके जो कर्तव्य है, क्या करते हुए हैं उसके, उसने जो सिलेक्शन किया है उद्देश्यों का, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, भाई आपने जो अपने उद्देश्य सिलेक्ट कर लेने हैं उनको प्राप्त कैसे करना है, तो उनको प्राप्त करने की अब आपकी क्या हो गई, जिम्मेदारी बन गई कि हम कैसे इनको प्राप्त करें। हां जी, ये इनके इन प्रकार हैं, लेकिन इसमें गलत कोई भी नहीं होना चाहिए। अगला है व्यवस्थित प्रक्रिया। व्यवस्थित मतलब निरंतरता होनी चाहिए प्रक्रिया में। व्यवस्थित मतलब क्या हुआ? निरंतरता, कंटिन्यूटी, एक के बाद दूसरा कार्य होगा तो कार्य में क्या होगी, इसमें क्रमबद्धता होगी। क्या कहेंगे इसे हम? क्रमबद्धता। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होगा, फिक्स टाइमिंग होगा उसका, इतने टाइम में हमको ये कार्य कर लेना है, तो यहां पर इसको क्या कहेंगे, क्रमबद्धता कह सकते हैं। वैसे प्रक्रिया मतलब क्रमबद्ध, जो कार्य तय समय में दे रखा है ना उस समय में करना, तो व्यवस्थित होगा सारा कार्य, सब कुछ प्लानिंग जो होगी, कौन सा कार्य कौन करेगा, कौन सा कर्मचारी को क्या काम करना है, कब करना है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, व्यवस्थित प्रक्रिया। उच्च स्तरीय प्रबंध, अब देखिए इसके संबंध में जितने भी निर्देश देने हैं, जितने भी जो फैसले देने हैं, वो कौन देगा? उच्च स्तरीय प्रबंध देगा। सबसे ज्यादा मेन जो जिम्मेदारी जब हम कह सकते हैं या कर्तव्य कह सकते हैं या ड्यूटी अपन कह सकते हैं यहाँ पर, तो ड्यूटी किसकी रहेगी? उच्च स्तरीय प्रबंधक की रहेगी। वो इसको पूरा क्या करता है, मॉनिटराइज करता है, सब कुछ देखता है व्यवस्थित काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अगर बात करते हैं साध्य एवं साधन, तो देखिए हम यहां पर किसके लिए कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो देखिए जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारा लक्ष्य होता है ना, वो लक्ष्य तो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। हमारा टारगेट जो होता है वो तो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। और साधन क्या हो जाएगा, जिनके माध्यम से आप अपने साध्य को प्राप्त करते हैं। साध्य क्या हो जाएगा, आपका लक्ष्य, और साधन कौन से, आप जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त कर रहे हैं, वे सारे क्या कहलाएंगे, साधन कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने जिन जिन रास्तों का चयन करना है, जिन जिन प्रक्रियाओं को आपको करना है, वे सारे तो साधन कहलाएंगे, और आपका जो टारगेट जो है आपका, वो क्या कहलाएगा, साध्य कहलाएगा। तो साधन साध्य स्पष्ट हो गया, किसके लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगला है निर्देशात्मक नियोजन। इंस्ट्रक्शन देने हैं, प्लानिंग करनी है, इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, क्यों करनी है प्लानिंग, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कंपनी आज लगाई कल बंद करनी, या साल भर में बंद करनी है, कैसी है, दीर्घकालीन। और जब हमारी कंपनी दीर्घकालीन है, लंबे समय तक चलने वाली है, तो उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, नीतियों का निर्धारण करेंगे। जब हमें अपनी संस्था को लंबे समय तक चलाना है, जब हमारा घोड़ा जो है वो लंबी रेस का है, हमारा जो घोड़ा है वो कैसा है, लंबी रेस का घोड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको खाने पीने के लिए भी देना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से निर्देश आपको क्या करना है, ऐसे निर्देशों का चयन करना है जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका नियोजन करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, आप लंबे समय में
या आपकी जो संस्था है वो लंबे समय तक कार्य करने वाली है, आपके जो उद्देश्य हैं वो लॉन्ग टाइम में पूरे होने वाले, शॉर्ट टर्म नहीं है, तो नीतियों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया जाएगा। आगे है गतिशील प्रक्रिया। व्यूह रचनात्मक प्रबंधन कैसी है? गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए वातावरण में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के साथ में हमको भी परिवर्तन करना पड़ता है, हमें बदलाव के साथ में बदलना होता है। अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, हम पीछे चला जाएंगे, यानी जो हम कह सकते हैं जो ग्राहक हैं हमारे, उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता की मनसा के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए हमें क्या करना होता है, बदलाव करने होते हैं। गतिशील प्रक्रिया में क्या होगा, बदलाव होंगे। किस प्रकार के बदलाव होंगे? बदलाव संबंधित होते हैं विभिन्न सभी प्रोसेस से, जो सब कुछ आप अपने संगठन में कार्य कर रहे हो, वे सारे कार्य जो आपके संगठन में चल रहे हैं उन सब में परिवर्तन होगा, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, गतिशील प्रक्रिया। यानी कि हर समय जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, लोचशीलता के साथ में बदलाव को स्वीकार करोगे। हर समय लोचशीलता के साथ में आपको क्या करना, बदलाव को स्वीकार करना है, और इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, आपकी गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। प्रोसेस में क्या रहेगा, बार बार आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उसके जैसे अनुकूल नहीं है, तो अनुकूल नहीं है तो जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल आपको बनना है, तो प्रक्रिया कैसी, गतिशील। भविष्योन्मुखी प्रक्रिया, भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना है, क्योंकि आपके जो दीर्घकालीन जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आपको फ्यूचर में प्राप्त होने हैं। ऐसा तो है नहीं आपने आज निदान कर लिया, आज नहीं तो कल, सप्ते भर या महीने भर में आप इनकी प्राप्ति कर लोगे, नहीं। अगर आपका टारगेट बड़ा लंबा चौड़ा है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन ऊंचाई को प्राप्त करूं जो मैंने ठान रखी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लंबा समय चाहिए। और वो लंबा समय कैसे प्राप्त करना है आपको, तो आपको भविष्य को ध्यान रखकर कार्य करना है कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, और अगर कुछ होता है तो मैं उसमें बदलाव कैसे ला सकता हूं। इनमें एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है लोचशीलता, आपको लोच का ध्यान रखना है, आपको बदल जाना है किसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, आपकी जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो इसलिए बदलाव को स्वीकृत करना है और भविष्य को ध्यान में रखकर आपको क्रियाएं करनी है। आपके सारे जो डिसीजन होंगे वो भविष्य को ध्यान में रखकर किए जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इनके बाद हम बात करते हैं महत्व की, इसके इंपोर्टेंस क्या है, तो इनके इंपोर्टेंस हम देखते हैं। व्यवसाय का कुशल संचालन, अगर आप अपने व्यवसाय का कुशल संचालन करना चाहते हैं तो उसके कुशल संचालन के लिए क्या करना होगा, आपको व्यूह रचनात्मक प्रबंध का सहारा लेना होगा, आपको व्यूह रचना बनानी पड़ेगी, और उसे व्यूह रचना के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने संगठन का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लक्ष्य दीर्घकालीन प्राप्ति उनकी भविष्य में होनी है, तो इसको ध्यान रखते हैं आपको क्या करना है, अपने संगठन का कुशल संचालन करना है। और ये कब संभव है, जब आप व्यूह रचना प्रबंध का सहयोग लेते हैं। उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा, आपके उद्देश्य क्या होगा, स्पष्ट होगा, क्लियर है, टारगेट फिक्स है अपना, टारगेट फिक्स है, और जब आपका टारगेट फिक्स है तो उस टारगेट को ध्यान में रखकर आपको क्या कहता है, आपको मोटिवेट किया जाएगा। अभिप्रेरित किया जाएगा, कौन करेगा, प्रबंधक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्पष्ट है, उस उद्देश्य क्या करना, आप क्या किया जाएगा, अभिप्रेरित किया जाएगा, और आप अभिप्रेरित होकर क्या करेंगे, अपने कार्य को तय समय में पूरा कर लेंगे। यानी देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है मोटिवेशन, हम इसे नेक्स्ट क्लास में मोटिवेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल चीज है ये। तो मोटिवेट करना है किस बेसिस पे, उद्देश्य के बेसिस पे, उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट कौन सा अचीव करने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, जिससे कि आपके अंदर हीन भावना ना आए, कार्य के प्रति आपको उबाऊपन ना लगे, ऐसा नहीं हो आप बोरियत महसूस करें, यार काम तो बस ज्यादा ही हो गया यार, बार बार करते करते मैं परेशान हो चुका हूं, नहीं। मोटिवेशन एक ऐसा जादुई छड़ी है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और आप और अच्छे से मन लगाकर कार्य को करते हैं। वातावरणीय चुनौतियों का सामना एवं अवसरों का लाभ, अब देखिए जब काम करेंगे तो परिस्थितियां ऐसी ऐसी आएगी
आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपके सामने चुनौती आ रही है उन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, एक उद्यमी जो होता है वो इन्हीं जोखिमों को वहन करते हुए लाभ का अर्जन करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वातावरण चुनौतियों को स्वीकार करता है, जोखिम को वहन करने का साहस दिखाता है। तो यहां पर भी क्या है, जो कुछ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे सामने चुनौती आ रही है, बहुत सारी चुनौती आएगी, बहुत सारे लोग आपके रास्ते में बाधा होंगे, तो उन सब बाधाओं को क्या करना है, आपको सामना करना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। तो संगठन क्या करेगा, उनका डटकर मुकाबला करेगा, और जो अवसर मिलेंगे उनका क्या करेगा, वो लाभ उठाएगा। जब आप चुनौतियों का सामना करोगे तो आपको अवसर मिलेगा, किस बात का अवसर, लाभ कमाने का अवसर। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करोगे आप अवसर का लाभ नहीं उठा सकते। तो अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना है, वातावरण में जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही है हमें उनका सामना करना है। अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता। अब देखिए डिसीजन लेना है, डिसीजन फिर वापस वही बात आ गई ना, डिसीजन की बात अपन यहां भी करी, निर्देश की बात करी थी, निर्देश यहां निर्णय की बात हो रही है, लेकिन वो भी कैसे होंगे, दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन ध्यान में रखना आपको लंबे समय के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता, आपको पता है आपका जो लक्ष्य है वो आपको लंबे समय प्राप्त होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, और आपका डिसीजन सर्वश्रेष्ठ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य स्पष्ट है, और जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो आप बिल्कुल शांत मन से अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। अच्छा हाँ, एक और आप कार्य कर सकते हैं, यहां पर निर्णय लेने के लिए आप अपने जो प्रबंधक हैं उनके बीच में सलाह मशवरा हो सकता है, उनसे राय ले सकते हैं। करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है, यानी उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होंगे वो डिसाइड करेंगे, लेकिन उनका सहयोग लेना चाहिए। इससे क्या होता है, संगठन में कार्य करने वाले जो कार्मिक होते हैं ना, वो संगठन के साथ में और अच्छे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ेंगे तो क्या होगा, अपनत्व का भाव उत्पन्न होगा, जो हमारे संगठन के लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा व्यू हो जाएगा हमारे लिए। संगठन की योग्यताओं एवं क्षमता में वृद्धि, एबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो संगठन में कार्मिक कार्य कर रहे हैं वो निरंतर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, और जुड़ने से उनके कार्य में क्या आएगी, कुशलता आएगी, और जब कार्य में कुशलता आनी है तो फिर संगठन में क्या होगी, योग्यता बढ़ जानी है, और जब योग्यता बढ़ेगी तो अपने आप ही आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। आप उस कार्य को जहां आधे घंटे में कर रहे थे वो आपका 20 मिनट में हो जाएगा, 25 मिनट में हो जाएगा, यानी कार्य करने में भी आपकी क्या हो रही है, कमी आ रही है, और आप अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। निरंतर अभ्यास से क्या हो रहा है, आपकी कार्य क्षमता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। किसके फलस्वरूप, आपकी योग्यताओं के विकास के फलस्वरूप आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ गई, और एबिलिटी बढ़ने से क्या हो गया, संस्था का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी बढ़ गई। कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार, जो कर्मचारी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं उनको क्या करना, अभिप्रेरित करना। कैसे करेंगे, तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग, उनका सहयोग लेकर के, उनकी मनसा जान करके। तो जरूरी है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना अभिप्रेरणा के अगर कोई कर्मचारी कार्य करता है तो वो संगठन का प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है। बिना अभिप्रेरणा के किया गया कार्य संगठन के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहां पर अभिप्रेरणा जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेट करना पड़ेगा आपको अपने कर्मचारियों को, जिससे कि उनके अंदर एक जोश जो है, एक जुनून जो है वो बना रहे, और आप अपने लक्ष्यों को यथा समय प्राप्त कर सकें। अगला है परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी। अब देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, अपनाना पड़ेगा ही, लेकिन कर्मचारी में क्या होता है, एक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ
ऐसे वो अपने मन से थॉट बना लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है यार नहीं परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो जो भ्रांतियां उनके बीच में उत्पन्न हो रही है, जो अफवाहें फैल रही हैं, उन सबको रोकना। कब रुकेगा? जब आपके बीच में जो संचार जो हो रहा है, संचार जो आप कर रहे होगे, कम्युनिकेशन जो आपके बीच में होना है वो उत्तम होना चाहिए। जो कर्मचारी हैं और जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं उनके बीच में जो संचार हो रहा है वो संचार बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए। जब स्पष्ट संचार होगा, आप उनकी मनसा जानकर उनको अभिप्रेरित करोगे, तो मोटिवेशन के कारण वे लोग क्या करेंगे? परिवर्तनों का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। और जब वेलकम करेंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध भी उत्पन्न नहीं होगा। तो आपके प्रतिरोध में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी और परिवर्तनों को स्वीकार किया जाएगा। और ये सब क्या होगा? हमारे संगठन की जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होंगे। तो दोस्तों, हमने बात करी प्रबंध की तकनीकों की। इससे पहले हमने बात करी थी हेनीफील्ड द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की, जिसमें हमने टोटल 14 सिद्धांत की बात करी थी। उसके बाद में हमने तकनीकों में बात करी थी। मैंने कहा था आपसे कि 12 प्रकार की तकनीकें हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण 3 हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले उद्देश्य द्वारा प्रबंध, उसके बाद अपवाद द्वारा प्रबंध और तीसरा विरोधात्मक प्रबंध के बारे में चर्चा करी है। तीनों की चर्चा करने के बाद में आपका टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन क्या होता है। तब तक के लिए अलविदा। घर पे रहिए, खुश रहिए और साथ साथ में हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करते रहिए। थैंक यू।